foodies, you are watching HBTV Yuva kyunki zamana hai vida youngsters ka and you are watching your favorite show khate raho jahan hum aapko lekar aate hain Jaipur ke famous food centers aur pahunchate hain aap tak wahan ka zaika. Foodies, aaj khate raho ki team aap pahunchi hai Havemour Ice Cream Parlor jo ki located hai Mahavir Nagar mein. फूडी समर सीजन स्टार्ट हो गया है. हमारे मानमू यानी हमारे सन ने अभी से अपनी हीटिंग रेस से हमें परेशान करना शुरू कर दिया है. अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें गर्मियों में सबसे ज़्यादा पसंद है? राइट फूडीज, आइसक्रीम. आइसक्रीम हमें गर्मियों में सबसे ज़्यादा पसंद होती है. हम इसे समर स्पेशल कहते हैं. हर सीज़न का एक स्पेशल फूड होता है, एक स्पेशल ड्रिंक होती है और हम आइसक्रीम को तो कहते ही समर स्पेशल है. फूडीज, मोस्ट ऑफ द टाइम गर्मियों में ऐसा होता है कि हम एग्जॉस्ट फील करते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण, और ऐसे में हमें मिल जाए ठंडी ठंडी आइसक्रीम तो कहने ही क्या. फूडीज, में जब भी आइसक्रीम खाती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि आइसक्रीम को डिस्कवर किसने किया होगा. चलिए मैं आपको बताती हूँ, आइसक्रीम को डिस्कवर किया था चाइनीज़ ने. कहा जाता है कि आइस ट्यूब्स के अंदर फ्यू जूसेस मिलाकर आइसक्रीम को डिस्कवर किया गया था. वेल, डिस्कवर कोई भी करे, इंजॉय तो हम सब कहते हैं. एंड मैं तो ये कहती हूँ, समर टाइम इज आइसक्रीम टाइम. आइसक्रीम हमें समर में रिफ्रेशिंग, एनर्जेटिक तो फील कराती ही है. साथ में इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे काफ़ी सारे फ्लेवर्स में इंजॉय कर सकते हैं, जैसे चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, वनीला, जो भी आपको पसंद हो आप उस फ्लेवर में अपने समर्स को इंजॉय कर सकते हैं आइसक्रीम के साथ. फूडीज, इस वक्त मेरे साथ है गौतम और वो काफ़ी यूनिक, काफ़ी अलग सी आइसक्रीम खा रहे हैं. तो चलो पहले उनसे सबसे पहले जानते हैं वो कौन सी आइसक्रीम खा रहे हैं. गौतम, आप कौन सी आइसक्रीम खा रहे हो पहले ये बताओ. स्ट्रॉबेरी लॉलीपॉप. स्ट्रॉबेरी लॉलीपॉप, इतनी सी आइसक्रीम, इसको थोड़ा डिस्क्राइब तो करो, क्या फ्लेवर है इसका? इसका स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, मुझे बहुत पसंद है ये आइसक्रीम. मैं जब भी मन होता है जब ये खा लेता हूँ, मेरा घर पास में ही है. अच्छा, तो कभी भी निकल जाते हो आइसक्रीम खाने, चाहे धूप भी हो? कभी भी, मेरी आइसक्रीम बहुत फेवरेट है. फेवरेट है कि धूप में भी निकल जाते हो कभी भी? मतलब कभी भी, चाहे से बारिश क्यों ना है मैं निकल जाता हूँ. फूडीज, इस वक्त मेरे साथ गर्व हैं जो काफी धूप में आइसक्रीम खाना है. तो सबसे पहले इनसे जानते हैं इनको आइसक्रीम खाना कितना पसंद है. मुझे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है आइसक्रीम. बहुत ज़्यादा पसंद है, वो तो पता ही लग रहा है कि धूप में भी आइसक्रीम खाने आ गए. तो ऐसी कौन सी आइसक्रीम है जो सबसे ज़्यादा खाना पसंद करते हो? ये आइसक्रीम सबसे अच्छी लगती है. ये आइसक्रीम है काफ़ी यूनिक है, काफ़ी डिफरेंट है, इतनी सी है. आइसक्रीम का नाम क्या है, थोड़ा डिस्क्राइब तो करो. ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत छोटी है पर है बहुत अच्छी. ओके, तो अब ये बताओ, ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है ये सबसे ज़्यादा पसंद है, मतलब जब भी आते हो सिर्फ यही खाते हो या कुछ और भी पसंद है आइसक्रीम में? केवल यही खाता हूँ, बाकी फ्रेंड्स के साथ आता हूँ तो शेक पीता हूँ. समर सीजन स्टार्ट हो गया है, आइसक्रीम का लव देखते ही बनता है. इतनी धूप के अंदर एक फैमिली आइसक्रीम इंजॉय करने आई है. तो इस वक्त मेरे साथ है ओम, तो चलिए ओम से जानते हैं कि उन्हें आइसक्रीम कितनी पसंद है. एक्चुअली हमें आइसक्रीम तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है. जब भी हमें टाइम मिलता है तो समर को बीट करने के लिए हम यहाँ पर या तो शेक्स लेते हैं या आइसक्रीम लेते हैं. मेरी नीज़ को देखिए, इतनी छोटी है पर ये भी आइसक्रीम को इसको इतना पसंद है. जब भी हमें मौका मिलता है हम इसे यहाँ ले आते हैं और ये चाहे दिन भर में कुछ भी ना खाए पर ये आइसक्रीम देखते ही उसको कभी नहीं छोड़ती है. ओम, जब भी आप यहाँ आते हो या आइसक्रीम अकेले खाना पसंद है या अपनी पूरी फैमिली के साथ आते हो हमेशा? मोस्टली मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आता हूँ पर कई बार ऐसा होता है कि मुझे यहाँ से टेक अवे ले जाना होता है, तब भी मैं यहाँ चुपके से एक आइसक्रीम तो खा ही जाता हूँ. के ओम, तो ये आपकी नीज है जो आपके साथ आइसक्रीम और शेक एंजॉय करने आई है. तो इसको भी क्या पसंद ज़्यादा है, आइसक्रीम या शेक? इसको मोस्टली शेक पसंद है, वो भी ये बहुत चूजी है फ्लेवर्स के मामले में. ये स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट ही लेती है, पाइनएप्पल, मैंगो अगर हम इसे देते हैं तो ये उसे बिल्कुल नहीं लेती है.
फूडीज इस वक्त मेरे साथ है रचना, जो कि इतने धूप इतनी समर डेज में अकेले ही आइसक्रीम खाने निकल गई। तो चलिए उनसे जानते हैं कि उन्हें आइसक्रीम अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करके खाना पसंद है या फिर वो आइसक्रीम कभी भी खाने निकल जाती हैं। मैं फैमिली के साथ तो आइसक्रीम खाना किसको पसंद नहीं होगा, आइसक्रीम का मज़ा बहुत दुगना हो जाता है, लेकिन मैं आइसक्रीम के लिए इतनी क्रेज़ी हूँ कि अकेले भी उसको आराम से खा सकती हूँ, और डाइट कॉन्शियस होते हुए भी मुझे हैवमोर की आइसक्रीम तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अर्चना जी, आपने कहा कि आपको आइसक्रीम पसंद है, तो देखते ही बनता है कि आप अकेले ही आ गई आइसक्रीम खाने। तो ऐसी कौन सी आइसक्रीम है जो आपको खाना सबसे ज़्यादा पसंद है, मतलब आपका फेवरेट फ्लेवर है वो? मेरा फेवरेट फ्लेवर तो पहले मैंगो हुआ करता था, बट यहाँ पे अभी रिसेंटली एक ब्लू ओशन करके फ्लेवर है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। फूडीज इस वक्त मेरे साथ है डॉक्टर एम के गुप्ता जी। फूडीज, जब भी मैं किसी डॉक्टर के पास अपने डेंटिस्ट के पास जाती हूँ, वो मुझे सबसे पहले प्रिस्क्राइब करता है कि आइसक्रीम चॉकलेट्स नहीं खाने। तो आज हम डॉक्टर से जानेंगे कि उनको आइसक्रीम कितनी पसंद है और वो क्या वो भी मोस्टली आइसक्रीम खाना प्रेफर करते हैं। आइसक्रीम मेरा फेवरेट है, और इस गर्मी के मौसम में मैं बार बार, मेरे पास में ये आइसक्रीम पार्लर है तो इनका मैं उपयोग करता रहता हूँ। जब मैं मरीज़ देखते देखते थक जाता हूँ और भूख लगती है तो मैं सीधा शेक का ऑर्डर कर देता हूँ, और मैं यहाँ काफ़ी इस लाइक करता हूँ हैवमोर की आइसक्रीम और शेक को। गुप्ता जी, अभी आपने बताया कि आप थक जाते हो पेशेंट्स को देखते देखते, तो फ्रेश रिफ्रेशिंग फील करने के लिए आप शेक आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं, तो ऐसी कौन सी आइसक्रीम है जिसको खाते ही आप काफ़ी रिफ्रेशिंग फील करते हैं? वैसे तो मैं बार बार टेस्ट चेंज करता रहता हूँ, और जो नया आता है इनके पास फ्लेवर कोई भी, उसके लिए ऑर्डर करता हूँ। वैसे आमतौर पर पाइनएप्पल सीताफल शेक में ज़्यादा यूज़ करता हूँ। गुप्ता जी, ये बताइए कि आपको आइसक्रीम खाना अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा पसंद है या अकेले सारी आइसक्रीम खाना पसंद है? वैसे मैं फैमिली के साथ आइसक्रीम ज़्यादा खाना पसंद है, लेकिन क्लिनिक पर अकेले होता हूँ तब मैं मंगाता हूँ बीच में, अदरवाइज़ तो इवनिंग में और डिनर के बाद तो फैमिली के साथ ही आइसक्रीम का यूज मज़ा लेते हैं। मेरे साथ हैं कुछ क्यूट से बच्चे जो इस समर में अपनी आइसक्रीम एंजॉय करने आए, तो चलिए उनसे जानते हैं उन्हें आइसक्रीम कितनी पसंद है। बीबी, आपको आइसक्रीम कितनी पसंद है? बहुत। अच्छा, तो आते हो तो कौन सी आइसक्रीम खाते हो सबसे ज्यादा, कौन सी पसंद है? चोकोबाइट। चोकोबाइट सबसे ज्यादा पसंद है। तो अभी आप कौन सी आइसक्रीम खा रहे हो? चोकोबाइट। मतलब आपने सारी चोकोबाइट फिनिश कर दी थी जल्दी जल्दी? हाँ। आपको एक और खानी है? नहीं, बस फिनिश। फूडीज इस वक्त मेरे साथ है विभोर, जो कि अपनी छोटी छोटी सिस्टर के साथ आइसक्रीम एंजॉय कर रहा है, और इसने अपनी सिस्टर्स के साथ काफ़ी नाइंसाफी की, सबको दिलाई इतनी छोटी छोटी आइसक्रीम और खुद खा रहा है इतनी बड़ी। तो चलो इनसे जानते हैं खा कौन सी आइसक्रीम रहा है। मैं खा रहा हूँ एक चॉकलेट जो कि बहुत स्पेशल है, और ये यहाँ पे ही मिल रही है, और पता नहीं और कहाँ मिलेगी, तो अभी तो इंजॉय करने दो। अच्छा विभोर, तो आप यहाँ आए हो तो मतलब हमेशा यही वाला खाते हो या कुछ और डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स ट्राई करना पसंद है? और ट्राई करना पसंद है, पर अगर कोई और ऑप्शन नहीं होता तो ये तो मेरे लिए है ही। अच्छा, ये बताओ कि आइसक्रीम जब भी खाते हो अपनी छोटी सिस्टर्स के साथ खाना ज़्यादा पसंद है या फिर अकेले पूरी आइसक्रीम फिनिश करना पसंद है? पूछो अगर बड़ी आइसक्रीम हो तो सिस्टर्स के साथ शेयर करके, छोटी आइसक्रीम हो तो अकेले खाने में बेटर रहता है, नहीं तो छोटी सिस्टर्स बहुत तंग करती है। मेरे साथ हैं शिपाली, जो कि इतनी गर्मी में अपनी आइसक्रीम इंजॉय करने आई हैं, तो चलो इनसे जानते हैं उनके फेवरेट फ्लेवर कौन सी आइसक्रीम उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली वैसे तो मैं चॉकलेट आइसक्रीम खाती हूँ, बट आज अंजल ने बोला कि पान वाली आइसक्रीम ट्राई करो, बहुत टेस्टी होती है, यमी होती है, तो इस कारण मैं ही खा रही हूँ। सब ये बताओ शिपाली, आइसक्रीम खाने आते हैं अकेले खाना पसंद है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करके खाना पसंद है? फ्रेंड्स के साथ शेयर करके खाना पसंद है। अच्छा, तो आपने कहा कि आज आप कुछ पान वाली आइसक्रीम टेस्ट कर रही हैं, मतलब आप भी पहली बार इसको टेस्ट कर रही हैं, तो कैसी लगी आपको, कैसे मतलब क्या जायका है इसका, कैसी लगी आपको, क्या आप इसे दोबारा खाना पसंद करोगी? बिल्कुल, इसका टेस्ट एकदम पान की तरह, इसको खाते हैं तो ऐसा फील हो रहा है जैसे पान खा रहे हो, मज़ा आ गया, यम्मी। फूड
स्टूडियोज इस वक्त मेरे साथ है आंचल, जो कि काफ़ी यूनिक और काफ़ी डिफरेंट आइसक्रीम, पान वाली आइसक्रीम खा रहे हैं। पान तो हमने नॉर्मली खाई है, पर पान वाली आइसक्रीम, तो चलिए आंचल से जानते हैं इसका फ्लेवर और इसके बारे में। आंचल, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए, क्या कुछ डिफरेंट है इसमें? ये आइसक्रीम बिल्कुल पान की तरह है, ऐसा लगता नहीं है कि अपन आइसक्रीम खा रहे हैं, ऐसा लगता है कि बहुत यम्मी सा पान खा रहा है। और ये सिर्फ हैवमोर आइसक्रीम पार्लर पर ही मिलता है, मैंने बहुत जगह ट्राई करा, ये मुझे कहीं पर भी नहीं मिलता। इट्स रियली वेरी यम्मी, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आंचल, आपने कहा कि ये काफ़ी यूनिक है, डिफरेंट है, मतलब बहुत डिफरेंट फ्लेवर में है, तो आप मतलब मोस्टली यही खाना पसंद करती हैं या कुछ और भी पसंद है आपको, मतलब आइसक्रीम में? मुझे ज़्यादातर पान वाली आइसक्रीम खाना ही पसंद है, उसके अलावा फिर कभी कभी चॉकलेट आइसक्रीम। फूडीज इस वक्त मेरे साथ है हैवमोर आइसक्रीम पार्लर के ओनर दिनेश जी, तो चलिए सबसे पहले उनसे जानते हैं उनकी स्पेशल आइसक्रीम संडे स्पेशल के बारे में, कि उसमें क्या यूनिक है, क्या डिफरेंट है। मैडम, हमारा सबसे यूनिक संडे वो है हॉट फॉर नट संडे। हॉट फॉक में बेसिकली लोग ब्राउनीज आजकल बहुत लाइक करते हैं, तो उसका जो बेस है वो हमारा ब्राउनी है। ब्राउनी के साथ चॉकलेट्स, हॉट चॉकलेट्स के ऊपर डलती है, स्कूप डाल के ऊपर ड्रेसिंग होती है। ये हमारा बहुत ज़्यादा सेलिंग संडे है। आपने कहा कि काफ़ी यूनिक है, काफ़ी डिफरेंट, तो हमारे जयपुर आइट्स को कितनी पसंद आ रही है, हमारे यंगस्टर को कितनी पसंद आ रही है? मोस्टली यंगस्टर्स ही इसको ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, लेकिन अब जो ओल्डर एज के लोग हैं वो भी अगर इसको खाते हैं तो दोबारा वो लोग इसकी डिमांड करते हैं, और हॉट सेलिंग में ये आइटम है हमारा। ये बात तो आपने बिल्कुल सही की, आइसक्रीम कोई भी एज का खाए उसको आइसक्रीम काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो आप यहाँ पे कौन कौन से डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम सर्व करते हैं हमारे जयपुर राइट्स के लिए, हमारे हर एज के लोगों के लिए? देखिए, यंगस्टर्स चॉकलेट ज़्यादा लाइक करते हैं, तो चॉकलेट में जैसे मोका ब्राउनी हो गया, हॉट स्वीट चॉकलेट हो गया, चॉकलेट चिप हो गया, ये तो यंगस्टर्स ज़्यादा लाइक करते हैं। एंड जो ओल्ड एजेस लोग हैं वो ज़्यादातर हमारा अमेरिकन नट एक है, सीताफल है, ये ज़्यादा लाइक करते हैं। दिनेश जी, समर आ गया है, स्टार्ट हो गया है, गर्मियाँ काफ़ी पड़ रही हैं, तो ऐसा क्या स्पेशल, कौन सी स्पेशल आइसक्रीम शेक जो आप इस समर आप अपने जयपुर राइट्स को सर्व करने वाले हैं? एक्चुअल में समर में हमारे कुल्फी फेस्टिवल अभी इस टाइम चल रहा है, जिसमें कुल्फी के हमारे बहुत फ्लेवर्स हैं, उसमें मैक्सिमम कुल्फी के फ्लेवर्स हमारे हम लोग समर्स के लिए लेके आए हैं। ओके, कुल्फी फ्लेवर, ये तो कहे तो हमारे राजस्थान की एक फेमस है कुल्फी फ्लेवर, तो यहाँ के आपके कुल्फी फ्लेवर में क्या डिफरेंट है? कुल्फी में हमारी कुछ कैंडीज आई हैं, जिसमें 3-in-1 एक ही कैंडीज के ऊपर 3 फ्लेवर्स हम लोगों ने लिए हैं, मैंगो, पिस्ता एंड नॉर्मल कुल्फी, ये हमारी बहुत ज़्यादा सेलिंग में है, जिसमें एक ही कुल्फी में हम लोग 3 फ्लेवर्स आपको दे रहे हैं। अभी मैंने ट्राई की यहाँ की सिजलिंग ब्राउनी आइसक्रीम। सिजलर तो हमने बहुत सा खाया है, हम लोग मोस्टली खाते हैं सिजलर, पर सिजलिंग ब्राउनी काफ़ी यमी है, हॉट ब्राउनी के साथ आपको ठंडी ठंडी आइसक्रीम विद लॉट्स ऑफ चॉकलेट चिप्स मिलेगी। इसका फ्लेवर काफ़ी यूनिक है, काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट तरीके से इसको बनाया गया है, और नो डाउट ये लाजवाब है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी इस समर आप लोग सिजलिंग ब्राउनी ट्राई ज़रूर करें। फूडीज आज के हमारे इस शो में बस इतना ही, अब मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, तब तक हंसते रहो, गाते रहो, मुस्कुराते रहो, और हाँ, खाते रहो।